हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं लेकर आई थी राशन, मतलब मंगाया था मैंने राशन, तो वही राशन मैं खा रही हूँ। अभी मैं कर रही थी राशन खाली और मेरा बेटा मुझे कर रहा है परेशान। और ये देखिए कचरियाँ हैं, होली आ रही है ना, तो होली के लिए कचरियाँ लेकर आए थे रंग बिरंगी से पापा, तो इसको यही लेनी है, यही खानी है कच्ची। मैंने इसको भून कर भी दी थी थोड़ी सी निकाल कर, लेकिन इसको ये कच्ची कचरियाँ ही खानी है। और होली पर कचरियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को राशन खाली करी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बेटा इधर आ जाओ, बच्चे के साथ में ना ये सारे काम करने ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। तो ये थे मखाने, मैंने मंगाए थे थोड़े से मखाने। इसको सारा सामान रखना है अंदर उठा के। और ये मैंने मंगाई थी खरबूजे की नींग, क्योंकि ये ना कि अभी फास्ट आने वाला है शिवरात्रि का, और शिवरात्रि के फास्ट में ये सब चीजें चाहिए इसी वजह से। और ये मैंने मंगाई थी कॉफी, तो कॉफी मैं कम पीती हूँ, कॉफी मुझे पसंद है, लेकिन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं कॉफी कम पीती हूँ। आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को थायराइड में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या मैं अवॉइड करती हूँ और अपना कैसे मेंटेन करती हूँ थायराइड को, तो वो सब मैं आपको आगे शेयर करूंगी कभी वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अगर किसी को जानना है तो, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मुझे प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने मंगाई थी मूंगफली की गिरी, क्योंकि कच्ची मूंगफली की गिरी, क्योंकि फास्ट आ रहा है बताया था मैंने आपको शिवरात्रि का, तो इसी वजह से कुछ चीजें मैंने मंगा ली थी। और ये है बूरा, और ये है देगी मिर्च चिली पाउडर, और ये है काजू मिक्सचर, ये नमकीन फेवरेट है मेरी डॉटर की, इसीलिए मैं वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है इसके साथ में, इसीलिए मैं कम बना पाती हूँ थोड़ा सा पूरा दिन का ब्लॉग। और ये देखिए मंगाया था मैंने धनिया, और धनिया पाउडर मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मतलब घर में ही बनाती हूँ। और मैंने मंगाई थी मूंग की दाल, दालों में सिर्फ मेरे घर में मूंग की दाल ही ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि सनी के लिए मूंग की दाल बनाती हूँ, बाकी दाल कोई भी यूज नहीं होती, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, इसलिए मूंग की दाल बनाती हूँ, इसको पसंद है वो, तो इसीलिए। और ये मैंने मंगाए थे बादाम, और बादाम खाने चाहिए। और ये दूसरी तरह की कचरियाँ हैं, वो पहले वाली अलग थी और ये वाली कचरियाँ अलग हैं थोड़ा सा। क्या कर दिया इस लड़के ने, सारी कचरियाँ बखेर दी, ये देखिए सारी कचरियाँ नीचे बखेर दी इस लड़के ने। और मैंने मंगाया था ये सरसों का तेल फ्रेंड्स, और मैंने ये मंगाया था साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी बनानी है मुझे फास्ट वाले दिन। और साथ में मैंने मंगाई थी ये सूजी आई थी, ये सूजी है, मैंने मंगाया था सरफ का एक पैकेट मैंने खोल लिया था, और एक पैकेट ये मंगाया था मैंने। और मैंने मंगाई थी चाय पत्ती, और साथ में मंगाए थे मैंने चावल, और बाकी इसमें चीनी और आटा है जो कि बहुत भारी है, मैं निकाल नहीं पाऊंगी कट्टे के अंदर से। तो बस इतना ही है मेरा राशन का सामान, और बाकी थोड़ा बहुत ही मेट्रो गए थे तब वहां से ले आए थे जो भी सामान इन्हें लाना था। तो फ्रेंड्स बस आज के ब्लॉग में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि निधि की दुनिया मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब उनकी वीडियो मैंने जब देखा तो
ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाई उनकी वीडियो देखकर, पूरी रात रोती रही, पूरी रात उनकी बातें सुनकर, मतलब उनका दर्द देखकर। तो प्लीज़ फ्रेंड उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो निधि की दुनिया को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी हैं वो, दिल की बहुत अच्छी हैं। और उनका एक प्यारा सा बच्चा है, मैंने आपको बताया था, तो आप लोग प्लीज उनको भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरी वीडियो देखें या ना देखें, पर उनकी सारी वीडियो देख लीजिए। उनको आगे आना है, उनको आगे बढ़ना है, तो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। तो बस फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। और आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक हस्बैंड के बिना जीना क्या होता है। ये बात भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, समाज में, जो जीने नहीं देते इंसान को बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने बचपन से अपनी एक चाची, मेरी एक चाची थी, उनको देखा था बचपन से ही इस तरह की कंडीशन में। उनकी छोटी सी बच्ची थी, 9 महीने की बच्ची थी उनकी तब, मतलब हमारे चाचा जी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उनका एक बेटा भी था 1.5 साल का। तो दोनों बच्चे उनके थे, और उन बच्चों को इतना बड़ा करने में उन्होंने अकेले ही मेहनत की है, अकेले ही उन्हें संभाला है। तो कितनी मुश्किल होती है अकेले बच्चे को संभालना, मैं मुझे पता है। और जब कभी त्यौहार होता था करवा चौथ का या कोई ऐसा त्यौहार होता था, तो मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि आप लोग इतना तैयार होते हो, ऐसे करते हो, वैसा करते हो, और चाची को क्यों नहीं बुलाया आपने, या उन्हें क्यों नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो गांव के लोग होते हैं ना, तो वो लोग टोक कर मुझे चुप बिठा देते थे कि तुझे ही नहीं पता, तुम्हें ही नहीं पता, ऐसा वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो बहुत सारी बंदिशें होती हैं जो कि विधवा के लिए समाज लगा देता है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या विधवा को जीने का हक नहीं है? क्या वो जी नहीं सकती? क्या वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? निधि की दुनिया की जब मैं वीडियो देख रही थी, तब उन्होंने बताया कि उन्हें एक रेड और ग्रीन कलर का सूट बहुत अच्छा लगा था, जिसको वो खरीदना चाहती थी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, जब उन्होंने देखा था तो। लेकिन उनको ये कहकर चुप करा दिया क्या कि अब वो ऐसे कलर नहीं पहन सकती, उन्हें हल्के कलर पहनने हैं, लाइट कलर पहनने हैं। तो क्या विधवा को पहनने का हक नहीं है अपनी पसंद के कपड़े? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या वो अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती अब हस्बैंड के जाने के बाद? उसमें उसकी क्या गलती है बेचारी की, भगवान ने उनके साथ ऐसा किया। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए, उनको